कैसे और से मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो एमोलेड डिस्प्ले होती है वो आईपीएस डिस्प्ले के मुकाबले पावर एफिशिएंट होती है, यानी कि जो एमोलेड होती है वो किस तरह से जो पावर कंजप्शन है उसको कम करती है और आपको बेहतर बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले के केस में कंपेयर टू आईपीएस डिस्प्ले। तो चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो एमोलेड होती है वो पावर कंज्यूम कम करती है और किस तरह से वो ज्यादा बेस्ट है आईपीएस के मुकाबले। तो दोस्तों ये है मेरे पास सैमसंग के दो मोबाइल। सैमसंग के मैंने मोबाइल यहाँ पे इसलिए लिए हैं क्योंकि मोस्टली कहा जाता है कि सैमसंग ही एमोलेड डिस्प्ले बनाते हैं और रियलमी में सैमसंग बनाता है और उसकी जो एमोलेड डिस्प्ले सबसे बेस्ट है। बट साथ में ये भी वजह है दोस्तों कि इसमें एक बाय डिफॉल्ट एक यूएसएसडी कोड लगा के हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम इसकी हार्डवेयर जो भी चीज़ें होती है वो चेक कर सकते हैं। जो कोड है वो है *H0*H, तो इसमें ये ईजी रहेगा दोस्तों वो, क्योंकि इमेज जो होती है वो अगर मैं चेंज करके आपको शो करता हूँ तो हो सकता है आपको ये लगे कि उसमें इसने कलर अलग डाल दिया उस इमेज में। बट यहाँ पे मैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन होता है वो यूज़ करूँगा ताकि किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश ना हो आपके लिए, आप ये ना कहो कि आपने हमें फेक चीज़ दिखाई है। तो दोस्तों मैं पहले इस फ़ोन को ऑन कर देता हूँ तो आप चेक सकते हैं ये कौन सा मॉडल है, ताकि आपको ये भी ना लगे कि मॉडल भी गलत बताया है, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये सैमसंग गलेक्सी S22 GTS 7582 है। इसको मैंने चार्जिंग पे लगा रखा है क्योंकि इसकी जो बैटरी है ना वो नहीं चलती है ज़्यादा, तो साथ में मैंने इसकी केबल लगा रखी है। तो इसको ऑन कर देते हैं, ऑन हो जाता है, फिर मैं आपको आगे की चीज़ दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्या कुछ करना है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें मैं कोड यूज़ कर देता हूँ *H0*H, देख सकते हैं इस तरह से हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कलर। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ब्लैक कलर का कंपैरिजन दिखाऊंगा, बाकी कलर मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कैमरा के अंदर वो चीज़ यहाँ पे अच्छे से आपको शो नहीं करेगा अलग अलग। दोस्तों मैंने ये चीज़ करके देखी, मुझे खुद को पता चलता है लेकिन इस कैमरा में अच्छे से ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है, पता नहीं क्यों। मतलब जो सेम कलर है ना दोनों वो सेम शो कर देता है। तो ये ओपन हो चुका है दोस्तों, इसमें हार्डवेयर एक्सेलरेशन वाला सिस्टम जो भी आप इसको कहते हो, तो यहाँ से हम चेक करेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे रेड कलर है दोस्तों यहाँ पे आपको सेम दिख रहा है रेड कलर, लेकिन मैं अगर रियली में देखूँ तो यहाँ पे ये आईपीएस डिस्प्ले इसमें, तो इसमें क्या है कि अलग इसमें जो थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे वाइट कलर है वो मिक्स हो चुका है कलर। तो मैं आपको थोड़ा लाइटनिंग ऑफ करके शो करता हूँ कि किस तरह से इसमें आपको पता चले थोड़ा बहुत। तो इस तरह से थोड़ा ये ऐसे कर देता है दोस्तों, तो कैमरा के अंदर ये चीज़ अच्छे से डिटेक्ट नहीं हो पा रही है। तो जो रेड कलर है ना वो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा नहीं सकता, ग्रीन है जैसे ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन मेरे को बिल्कुल साफ पता चल रहा है। यहाँ पे ऐसे ना मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वाइट कलर थोड़ा मिक्स हो चुका है इसमें, जबकि इसमें प्योर ग्रीन शो कर रहा है दोस्तों। हालांकि थोड़ा सा तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर किस तरह का कलर यहाँ पर शो कर रहा है, आपको थोड़ा पास दिखा देता हूँ मैं, आप कंपेयर कर सकते हो। चलिए इसको छोड़ते हैं एक साइड, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ब्लू भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करें, ब्लैक से मैं आपको ब्लैक दिखाना है दोस्तों कि किस तरह से ये पावर कंजप्शन कम करता है एमोलेड। इसमें एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों ये है सैमसंग गलेक्सी J5 2016 और इसके अंदर आईपीएस डिस्प्ले, अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मॉडल नंबर शुरू में आपको दिख चुका है जब मैंने फ़ोन को बूट किया। तो ब्लैक पर मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं लेकिन अब यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा अच्छे से। तो मैं आपको लाइटनिंग बंद करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरह से कि ये देखिए यहाँ पे ये आईपीएस डिस्प्ले वाला फ़ोन है, इधर ये दूसरी साइड में एमोलेड था, एमोलेड में बिल्कुल बंद दिखा रहा है स्क्रीन, बट यहाँ पे जो आईपीएस है उसमें आपको क्या है कि जो वाइट कलर की स्क्रीन शो हो रही है दोस्तों, ऐसे लग रहा है जैसे ऑन है, तो अंधेरे में ये बिल्कुल साफ पता चल रहा है। तो दोस्तों यही वजह होती है कि आईपीएस है वो पावर कंज्यूम है ना वो बहुत ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू एमोलेड, क्योंकि एमोलेड में पिक्सल्स होते हैं दोस्तों और जब ब्लैक कलर होता है तो वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, प्योर ब्लैक हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो आईपीएस होती है उसमें बैक में जो लाइट होती है वो परमानेंट ऑन होती है, वो बंद नहीं होती है दोस्तों, चाहे आप ब्लैक कलर शो कर रहे हो स्क्रीन पे या कुछ भी। तो ब्लैक कलर के केस में भी वो ऑन रहती है, जितनी उसकी ब्राइटनेस होती है उतनी ही ब्राइटनेस के साथ में। जैसे मैं अब लाइट ऑन कर देता हूँ तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, वैसे आपको पता चल रहा है यहाँ पर थोड़ा सा आपको वाइट देखने को मिल रहा है जबकि उसमें दूसरे वाले में आपको ब्लैक देखने को मिल रहा है। ये ऑफ हो गया, यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से आपको ब्लैक कलर यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे ब्राइटनेस फुल करता हूँ पहले इसकी, फिर आपको दिखा देता हूँ साथ में, ये ब्राइटनेस फुल, इसकी भी ब्राइटनेस फुल।
तो अब मैं लाइटनिंग बंद करता हूँ, फिर आपको यहाँ पे ब्लैक कलर शो करूँगा। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, अगर आपको लगे कि यहाँ पे मैंने पावर केबल लगा रखी इसीलिए शो कर रहा है, तो इसको मैं हटा भी देता हूँ, थोड़ा ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ लाइट को। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं ब्लैक पे, ये ब्लैक पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ब्लैक पे कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देखो इसमें कितनी वाइट शो कर रहा है, ये आपके सामने है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो एमोलेड है वो ज़्यादा बेहतर है पावर कंजप्शन के मामले में। तो दोस्तों आप देख चुके हैं कि किस तरह से जो एमोलेड होती है वो पावर कम कंज्यूम करती है जब ब्लैक होता है उसके अंदर, प्योर ब्लैक दिखाती है वो आपको एक तरह से, जबकि आईपीएस है वो डिस्प्ले है उसमें जो बैक लाइट है वो ऑन रहती है, और इस वजह से जो पावर कंजप्शन है वो उसमें कंटिन्यूसली ऑन रहता है। तो दोस्तों अब आप समझ चुके हैं अच्छे से कि किस तरह से पावर कंजप्शन के मामले यानी पावर एफिशियंट क्यों बोला जाता है एमोलेड डिस्प्ले को। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों मुझे लाइक एंड कमेंट करके बताइए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे भी बना के लाता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।